गुड मॉर्निंग बच्चों, पाठ 12 सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, यह पाठ मैंने आपको सिखाया है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, विभु कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? उत्तर, विभु 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। सड़क पर किसी ने क्या फेंक दिया था? उत्तर, सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। नेक्स्ट, सड़क के बीच में विभु ने क्या क्या देखा? उत्तर, सड़क के बीच में विभु ने गड्ढे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क को किसकी चिंता नहीं है? सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं है। नेक्स्ट, सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर क्या होनी चाहिए? उत्तर, सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विभु ने किसके मार्गदर्शन में प्रयास करने की बात सोची? उत्तर, विभु ने अध्यापक के मार्गदर्शन पर प्रयास करने की बात सोची। यह एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 क्वेश्चन है देखिए बच्चों। नेक्स्ट, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए की ओर बढ़ेंगे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन, विभु क्यों दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था? उत्तर, विभु 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। नेक्स्ट, विभु क्यों चौंक गया? विभु, उत्तर, विभु का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर पड़ा। तब, उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए विभु चौंक गया। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखिए, लोग सड़क के प्रति अपनी निर्ममता कैसे प्रकट करते हैं? उत्तर, आदमी, टांगे, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे सड़क के ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से सड़क को काट भी देते हैं और महीनों महीनों उसके घाव नहीं भरते। इस तरह लोग सड़क के प्रति अपनी निर्ममता प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क को काटने का काम किसने किया था? उत्तर, जलपूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था। नेक्स्ट देखिए, 5th क्वेश्चन, विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, मत रो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताओ। और सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए, इस तरह सांत्वना देते हुए विभु कहता है। नेक्स्ट, विभु ने अंत में क्या तय किया? उत्तर,
विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों में चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। यह 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। आगे हम ग्रामर देखेंगे। रिक्त स्थान भरिए। विभू को 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। 9:30, यह आपको अंडरलाइन करना है, देखिए बच्चों। सेकेंड, वह सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा था। नेक्स्ट, सड़क को तो हमेशा डैश लगती है, चोट लगती रहती है। नेक्स्ट, लोग महीनों महीनों सड़क के घाव नहीं भरते। लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। लोग सफाई का ध्यान रखे। ये हुआ रिक्त स्थान भरिए। नेक्स्ट, अन्य वचन रूप लिखिए। केला केले, छिलका छिलके, महीना महीने, तांगा तांगे, घंटा घंटे। नेक्स्ट, लोग लोग, लोग का अन्य वचन रूप लोग ही है। पाव पाव, जानवर जानवर, घाव घाव, उपाय उपाय। नेक्स्ट, आवाज आवाजे, सड़क सड़के, चोट चोट, सूरत सूरत, जगह जगह। यह हुआ अन्य वचन रूप। आगे हम 6th में देखेंगे। 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सड़क रास्ता राह। नेक्स्ट, साफ यानी 2 पर्यायवाची शब्द शुद्ध और स्वच्छ। खुशी संतोष और आनंद। स्कूल, स्कूल को पर्यायवाची, विद्यालय और पाठशाला। नेक्स्ट, साथी दोस्त मित्र। नेक्स्ट, सूरत चेहरा मुख। नेक्स्ट, आदमी मानव मनुष्य। पानी नीर जल। यह पर्यायवाची शब्द। आगे अनुरूपता दिया है। अनुरूपता देखिए। साइकिल 2 पहिए, तो 4 पहिए किसे है? कार, कार 4 पहिए। नेक्स्ट, रेलगाड़ी पटरी, साइकिल सड़क। उसके पहले एक बच्चा देखो बच्चों, कभी कभी द्विरुक्ति, तो आर पार युग्म शब्द। युग्म शब्द, युग्म देखिए बच्चों, यहाँ स्पेलिंग युग्म, युग्म शब्द। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, तो साइकिल सड़क पर। निर्ममता रेफ शब्द है, तो प्रकार कारक शब्द है। नेक्स्ट, अंकों को हिंदी शब्दों में लिखिए कहा है। 1/3 यानी 1/3, 1/4 1/4। पा दिखाई दे रहा है, तो चौथाई। नेक्स्ट, 1/2। नेक्स्ट, पौना 3/4, 3/4 यानी पौना। और डेढ़, 1/2 यानी डेढ़। 1/3/4 यानी पौना 2, और 2/2 यानी ढाई।
यह हुआ अंकों को हिंदी शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सार्थक वाक्य बनाइए है वह आपको ही लिखना है बच्चों। और उसके बाद सेवेंथ मेन और इलेवेंथ मेन ये सब मैंने क्या है आपको ही, टेंथ मेन ये सब आपको ही लिखना है बच्चों। मालूम हुआ, ये सब आप लिखिए और फिर कंप्लीट कीजिए बच्चों। समझ में आया बच्चों? और जब आप नेक्स्ट स्कूल को आते हो तब करेक्शन करवाइए। धन्यवाद बच्चों।